किससे बात कर रही थी तुम? नार से बात कर रही थी? एक बात सुन लो तुम, मैं कोई इंजेक्शन नहीं ले रही, समझ नहीं आ रहा, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगा रही हूँ, वो कोई डेंटिस्ट डॉक्टर थी, वो यहाँ आ रही है। कौन? वो तुम्हारी डॉक्टर जिन्होंने तुम्हें ट्रीट किया था ना, वो तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन वो अब यहाँ आ रही है। नांची, नांची, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे प्लीज अभी तुम खोल दो, मैं पक्का कुछ नहीं करूंगी, मैं कोई चीज इधर से उधर नहीं फेंकूंगी, लेकिन लेकिन अब मुझे तुम छोड़ दो, मुझे ये रस्सी मुझे खोल दो। देखो मैम, मैम बहुत गुस्सा हो जाएगी अगर कोई बाहर वाला आएगा घर पे, प्लीज प्लीज नांची, नांची मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी। वो इशिता वाला घर आ रही है, मैं उसके सामने ऐसे नहीं जा सकती, मुझे चेंज करना होगा, मुझे जल्दी रुआन बनना होगा। जल्दी नांची, ये सब जल्दी उठाओ। मेरी विक कहाँ गई? मिल गई नांची, विक मिल गई। रुहान, नांची लगता है वो हो गई, इसको छोड़ो, तू उसको जाके कुछ करो, रोको, मैं करती हूँ, मैं देखती हूँ, जाओ जाओ जाओ। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? रुहान प्लीज दरवाजा खोलिए। जी हाय रुहान, एक्चुअली मैं डॉक्टर इशिता हूँ, मैंने अभी रुहान का इलाज किया था, कैसा है वो अभी? हाँ रुहान बाबा ठीक है अभी, मैंने बेकार में ही आपको परेशान किया, ही इज काम नाउ, आई एम सॉरी, अब आप जा सकते हैं, इंजेक्शन देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने उसका इलाज किया, मुझे मालूम बहुत बहुत ज़्यादा पेन में था, और मैं उसकी दवाइयाँ भी लेकर आई हूँ, एक बार मिल लेने दीजिए, आई हैव टू सी हिम वंस। कहाँ है रुहान? रुहान बाबा किसी से मिलते नहीं है। मुझसे मिलेगा वो, बताइए ना जल्दी, वो बहुत ज्यादा दर्द में था, मुझे उसे मिलना है। ओके कहाँ है वो? यहाँ। यहाँ? जी रुहान मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर इशिता आलिया की मामा। रुहान रुहान ऐसे क्यों? हाँ एक्चुअली रुहान बाबा को लाइट में नींद नहीं आती है ना, इसलिए वो कंबल सर पे ओढ़ के सो रहे होंगे। चली जाओ यहाँ से इशिता बल्ला, चली जाओ। रुहान मैं डॉक्टर इशिता हूँ, आलिया की अम्मा। रुहान आई नो आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मेडिसिन साथ में लेकर आई हूँ, जस्ट गेट अप, उठकर आप दवाई ले लो, चली जाओ यहाँ से। नांची तुम्हें अंदर क्यों आने दिया? मैंने कहा ना जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए, जाओ। आई एम सॉरी बट प्लीज आप चलिए ना। रुहान ये मेडिसिन है, आपके बाजू में रखी है। मैंने कहा ना जाओ।
सॉरी। ओह नो, वो फोटो फ्रेम, उस पे तो मेरी और मैम की फोटो है, कहीं इशिता पल्ला वो ना देख ले। इट्स ओके, रहने दीजिए ना, प्लीज चलिए। तबला जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी माँ हो ही नहीं, तुम क्यों आए यहाँ पे? रोमी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि आज मैं कितनी खुश हूँ। पिछले 7 सालों में तुमने जितनी मेहनत की है, आज फाइनली उसका रिजल्ट मिल गया। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए हमें ग्रैंड पार्टी देनी चाहिए। आफ्टर ऑल तुमने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को ये बता दिया कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। आज मैं जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से, ये अवार्ड, पैसा, ये घर, ये सब कुछ, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू, तुम्हारे साथ की वजह से। जब पूरी की पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ दिया था, तब सिर्फ तुम थी मेरे साथ खड़ी, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू सो मच मिल्खा। या अशोक। अरे मैंने तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए फोन किया है। बधाई हो, बधाई। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, वो भी इतने कम समय में। मान गए तुम्हें रो, मान। Come on यार, खाली मुझे ही नहीं तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन, कि खाली मेरा नहीं हमारी पार्टनरशिप का अवार्ड है। वैसे रमन तो ये न्यूज़ सुनकर जल भुंज गया होगा। Come on यार, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ कि आज मेरी जीत हुई है और मैं उसी में खुश हूँ। That's it. Shall I talk to you later? Bye. रोमी, देखो मैं जानती हूँ कि अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए तुमने अशोक से हाथ मिलाया है, पर तुम्हें पता है ना कि अशोक एक अच्छा इंसान नहीं है। इनफैक्ट अशोक तो किसी का सगा नहीं हो सकता। आई नो मेहका, मैं अच्छे से जानता हूँ कि अशोक कैसा इंसान है, मैं उसे अच्छे से हैंडल कर लूंगा। एक बार हमारा बिजनेस अच्छे से स्टेबल हो जाए, उसके बाद मैं उसे साइडलाइन कर दूंगा। पर मेहका, एक बात शायद मुझे कभी बोलनी नहीं चाहिए कि अशोक ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मेरे साथ कोई नहीं था, तब अशोक ही मेरे साथ खड़ा था, उसने मुझे सपोर्ट किया है, और ये चीज मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे पता है कि वो एक बहुत ही कमीना इंसान है, बट स्टिल कम से कम उसने मुझे दुनिया के सामने जलील नहीं किया, मुझे कुत्तों की तरह उसने पीटा नहीं कभी, कभी उसने मुझे ये नहीं जताया कि वो बहुत ही ज्यादा बेहतर आदमी है। मीका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने बहुत टाइम से इस चीज का वेट किया है। आई मीन, मैं हमेशा तुमसे ये कहना चाहता था, बट मैं वेट करता कि मैं जब इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा, जब कुछ बन जाऊंगा, तो फाइनली मैं तुमसे कहूंगा। एंड आई थिंक आज वो वक्त आ गया है कि हमें अपने रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना चाहिए। वन सेकेंड। मीका, विल यू मैरी मी? Yes, of course.
हेलो हेलो रमन साहब। अरे रुको रुको रुको, फोन मत काट। क्या हुआ, नाराज हो, डिसअपॉइंटेड हो, गुस्सा हो? अरे फिर क्या हुआ, अगर तुम्हारे भाई को बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड मिल गया। भाई तो तुम्हारा ही है ना। अगर हम जैसे एक्सपीरियंस बिजनेसमैन इन यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन एक बात है रमन, तुम ही, सिर्फ तुम ही मेरे फेवरेट हो। सुन, I'm sure कि सिलेक्शन कमेटी ने जो किया सही किया। और तूने सही कहा, नए एंटरप्रेन्योर्स को हमें एनकरेज करना चाहिए। और वैसे भी क्या है, मैं बहुत सारे अवार्ड जीत चुका हूँ, घर में जगह भी नहीं। सो अपनी खुशी कहीं और बांट, ये बस टाइम नहीं। रमन पुत्र, इतने दिन बाद घर आया है, मेरा मन कर रहा है तेरे सर में तेल डाल दूं, तेरे चंगा लगेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं। ऐसे माँ से मुंह न मोड़ पुत्र, सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जा, तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। ओए, मेरा फोन? इन्हें रात में मैंने कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो मम्मी जी, मुझे पता है कि आप मुझसे दूर हो, पर मैं चीज जानता हूँ कि मैं आज भी आपके दिल में हूँ। आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। आपने हमेशा मुझसे बहुत प्यार किया मम्मी, मेरी हर बात मानी है आपने। मम्मी जी, मैंने एक आपको बात बतानी थी, सोचा सबसे पहले आपको ही बता दूं। क्या है ना मम्मी जी, मैंने मीका को फाइनली प्रपोज कर दिया है और उसने हाँ भी कर दी है, तो मैं चाहता हूँ कि मम्मी जी कोई आए या ना आए पर आप मेरी शादी पे आओगे ना, मुझे और मीका को आशीर्वाद देने आओगे ना मम्मी जी? मम्मी जी क्या हुआ माँ, किसका फोन था? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था पुत्र। रॉन्ग नंबर नहीं, रोमी का फोन। उससे बात नहीं करी, वहां पापा पैसे देकर उसकी आदतें बिगाड़ ले। सब ठीक तो ना? क्या हुआ? रमन के दिल का गुबार बढ़ता ही जा रहा है, वो किसी से अपने दिल की बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने उसकी बहुत चिंता हो रही है पुत्र। आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। बिल्कुल ठीक है रमन, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? Of course I'm fine. मुझे क्या करना रमन, प्लीज तुम किसी से बात करोगे, अपनी बातों को शेयर करोगे, यू विल फील बेटर। दर्द बांटने से कम होता है। वैसे लुक लाइक आई हैव अ प्रॉब्लम, बाय द वे वो रमन मर चुका जिसे दर्द होता था, तो उसकी तकलीफ देख के तकलीफ में आता था। आई फील, प्लीज एक्सक्यूज मी, रात बहुत हो गई, जाके सोचो। माँ कहलाती हूँ? अरे तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो, माँ के नाम पे धब्बा होता। इसने आज साबित कर दिया कि सौते की माँ सौते की होती, कभी कभी अपनी नहीं हो सकती। आज के बाद मेरे घर में, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। छोड़ दे पुत्र, ये हमारी गल नहीं मानेगा। इसे जो मना सकती थी वो तो चली गई, इस वेले इसे अकेला छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी? हाँ, कितनी कॉल कर रही थी जी? वो रूही? रूही नहीं नैन्सी, उसका नाम रूहान है। सॉरी मैडम, वो रूहान बाबा क्या बोलोगी? आपने जो इंजेक्शन भेजा था वो मैं
रोहन बाबा को नहीं दे पाई, लेकिन एक डॉक्टर आई थी तो रोहन बाबा शांत हो गए थे। मैंने किसी डॉक्टर को नहीं भेजा था। कौन आई थी? हाँ, कोई डेंटिस्ट थी, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने रोहन बाबा का ट्रीटमेंट किया था वो दांत के दर्द के लिए। नैंसी, मैंने तुम्हें हजार बार बोला है, मेरी परमिशन के बिना कोई इस घर में नहीं आएगा। फिर वो कैसे आ गई? क्या वो रोहन से मिली थी? नहीं, नहीं मिली। आगे से ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। थैंक गॉड मैंने नैंसी को कह दिया कि वो निधि मैम से झूठ बोल दे, और उन्हें ये ना बताया कि वो डेंटिस्ट आलिया की माँ है, और मैं आलिया के घर गई थी। मुझे आलिया को भी कहना होगा कि वो इस बारे में मैम से कुछ बात नहीं करे। निधि मैम को नहीं पता चलना चाहिए कि आलिया की माँ इशिता भल्ला है। मुझे मेरे पास से सारा कनेक्शन तोड़ना है, सारा कनेक्शन तोड़ना है। आप मेरे साथ चलिए। अपनी बच्ची को खो दिया, अपनी बीवी को खो दिया, क्या कहते तुम लोग? लूजर, लूजर। अच्छा छोड़, हाथ छोड़ चले। पापा प्लीज शांत हो जाइए यार, और आराम से बैठिए। आपको दिखाई नहीं देता आपको चोट लगी है? आप प्लीज मुझे ड्रेसिंग करने दीजिए प्लीज। चलिए तो कहां से लिखे? रमन, क्या हुआ ईशो? मुझे लगा ईशु तुम कब तक रमन को याद करती रहोगी? यू हैव टू मूव ऑन। मैं जानता हूं तुमने रमन को बहुत प्यार किया है, लेकिन ईशु सात साल बहुत लंबा समय होता है। इन 7 सालों में तुमने उसे मिलने की कोशिश नहीं की, बात करने की कोशिश नहीं की। वो लोग तो यही समझते हैं ना कि तुम इस दुनिया में हो नहीं। ईशु तुम्हें सच्चाई से कब तक भागती रहोगी? रोही के साथ जो भी हुआ वो उसकी नियति थी, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो
कि रमन तुमसे दूर रहे तो तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा. यू हैव टू मूव ऑन. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक. स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को.